प्रेगनेंसी का 9वां महीना लग चुका है, अब आपकी डिलीवरी कभी भी हो सकती है, कभी भी आपको लेबर पेन हो सकते हैं, तो ऐसे में आपको कभी भी अचानक हॉस्पिटल भागना पड़ सकता है। लेकिन आपकी अभी तक कोई भी तैयारियां पूरी नहीं है। लेबर पेन जो है वो दी गई हुई डेट से एक हफ्ते या दो हफ्ते पहले या फिर बाद में तक आ सकता है। तो अगर आपको अचानक लेबर पेन स्टार्ट हो जाता है तो ऐसे में आपको अचानक हॉस्पिटल भागना पड़ सकता है और जल्दबाजी में आप अपना आधा सामान ले जाओगे और आधा घर पर ही भूल जाओगे, क्योंकि इमरजेंसी के टाइम पर ये समझ में नहीं आता है कि हमें क्या ले जाना है और क्या नहीं ले जाना है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि डिलीवरी के दौरान हॉस्पिटल में जो बैग होता है उसमें क्या क्या सामान रखना होता है। एक मदर का बैग होता है, एक बेबी का बैग होता है, इसमें क्या क्या आवश्यक सामग्री आपके साथ होनी चाहिए, कौन कौन सा सामान इसमें मौजूद होना चाहिए। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो आप अपनी पूरी तैयारियां अच्छी तरह से कर पाओगे, ताकि आपको हॉस्पिटल में डिलीवरी के दौरान कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हॉस्पिटल में डिलीवरी के लिए जाते हैं तो आपके पास दो बैग होने चाहिए, एक छोटा बेबी का बैग तैयार होना चाहिए और एक बड़ा मदर का बैग तैयार होना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मॉम के बैग में क्या क्या सामग्री होनी चाहिए, क्या क्या आवश्यक सामान होना चाहिए। सबसे पहले आपने बैग में रखना है अपनी फाइल। फाइल में आपके सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, सारे टेस्ट के रिपोर्ट होनी चाहिए, अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट होनी चाहिए, आपके जितने भी हेल्थ इंश्योरेंस के पेपर्स हैं वो भी उसमें होने चाहिए। उसके बाद है दोस्तों कपड़े। कपड़ों में आपके जो डेली रूटीन के कपड़े हैं वो सारे होने चाहिए। उसमें जो आवश्यक रूप से है वो मैटरनिटी गाउन होना चाहिए। मैटरनिटी गाउन से क्या फ़ायदा होता है, जब बेबी पैदा होता है तो उसके बाद ब्रेस्ट फीडिंग कराने में हेल्प मिलती है, क्योंकि उसमें जिप रहती है तो बार बार खोलने में बंद करने में आसानी रहती है। उसके बाद डिलीवरी के बाद मदर को एक नर्सिंग ब्रा भी चाहिए जिसका वो इस्तेमाल कर सकती है। अपने साथ एक्स्ट्रा एब्जॉर्ब वाले पैड्स ले जाएं। वैसे तो आपको हॉस्पिटल में पैड्स मिल जाएंगे, लेकिन फिर भी आप अपने साथ एक्स्ट्रा रख लें, क्योंकि डिलीवरी के बाद काफी दिनों तक काफी गंदा खून चलता रहता है, ब्लीडिंग होती रहती है, तो इसलिए आप अपने साथ जरूर रखें। 8 से 10 कॉटन्स की अंडरवियर अपने पास रखें। नए अंडरवियर ना रखें बल्कि पुरानी ही रखें, क्योंकि ये सारी खराब हो जाएंगे और उनको फेंकना भी पड़ सकता है। अपने बैग में गर्म मोजे रखें, गर्म स्वेटर्स रख लें। जैसा भी मौसम है, जैसा भी सीजन है, गर्मियों का सीजन है या फिर जाड़ों का सीजन है, उस अकॉर्डिंग आप अपने कपड़े रखें। साथ ही अपना टूथपेस्ट और ब्रश और सोप सारे सामान रख लें। बैग में एक जोड़ी स्लीपर्स भी रखें। पानी की बोतल रख लें, अपना तौलिया रख लें, पानी की बोतल जो गर्म पानी की बोतल रहती है उसे रखें, क्योंकि डिलीवरी के बाद आपको ठंडा पानी नहीं पीना है। बैग में दो तौलिये होनी चाहिए। साथ ही अपने साथ एक कप या ग्लास, प्लेट और बाउल रखें। अगर इलेक्ट्रिक केटल है तो अपने साथ वो भी रख लें। एक चाकू भी अपने साथ जरूर रख लें। डिलीवरी के बाद डॉक्टर पेट को बांधने की सलाह देते हैं, तो अपने साथ एक कपड़ा रख लें या फिर आपके पास अगर एब्डोमिनल बेल्ट है तो वो भी अपने पास रख लें। ये तो रही दोस्तों बात मॉमी के बैग की। अब बात करते हैं बेबी का बैग कैसे तैयार करें। तो बेबी का बैग भी आप वेदर के अनुसार करें। अगर गर्मियों का सीजन है तो वैसे कपड़े रखें और जाड़ों का सीजन है तो गर्म कपड़े रखें। तो कम से कम 8 से 10 पेयर बच्चे के आपको अपर और लोअर रखने हैं। ध्यान रखें आप कपड़ों को घर से ही डिटॉल से अच्छी तरह से धोकर और सुखा कर ले जाएं। मार्केट से लिया हुआ कपड़ा आप डायरेक्टली जो है बेबी को ना पहनाएं, उससे बेबी को एलर्जी हो सकती है। कम से कम 15 से 20 नेपीज उसमें रख लें, क्योंकि बेबी बार बार गीला कर देता है। बच्चे के लिए गर्म मोजे रखें, उसके ग्लव्स रखें, टोपी रखें, बेबी ब्लैंकेट रखें, उसका टॉवल अलग से रखें, बेबी वाइप्स रखें, टिश्यू पेपर्स रखें, बेबी के लिए न्यू बॉर्न वाले डायपर रखें। एक डायपर रैशेस की क्रीम आती है उसे भी आप रख सकते हैं। बाकी इसके साथ साथ आप बेबी सोप, बेबी लोशन, पाउडर ये सारी चीज़ें रख लें। आप एक बेबी स्लीपिंग बैग भी रख सकते हो। इसमें क्या होगा, बेबी अलग से प्रोटेक्ट रहेगा, बाहर से जो भी विजिटर्स आते हैं वो डायरेक्टली बेबी को टच भी नहीं कर पाएंगे। बेबी फीडिंग के लिए आप एक कटोरी और चम्मच जरूर रखें, इसकी जरूरत पड़ सकती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है बेबी और मॉम के लिए एक स्पेशल ड्रेस रखें। उसे तब पहनें जब आप घर जाएं, आपका घर में वेलकम होगा, तो उसे एक मैचिंग ड्रेस ले लें। हो सके तो मॉमी डैडी और बेबी के लिए एक ड्रेस कोड ही तैयार कर लें। बेबी के लिए फीडिंग बॉटल्स भी आप रख लें, क्योंकि अगर टॉप फीड कराना हो तो वह भी काम आएगी। तो दोस्तों ये सारा सामान आप हॉस्पिटल जाने से पहले रेडी कर लें, ताकि आपको किसी भी प्रकार की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। तो दोस्तों आशा करता हूँ यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, खासकर उन लोगों को जो प्रेग्नेंट हैं, जिनकी डिलीवरी डेट करीब है। तो वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर कर देना और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।